किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था खैरू। खैरू के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू एक बहुत ही अकलमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो खैरू इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु खैरू के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें लाकर देते, इसके अलावा भी वो समय समय पर खैरू की मदद करते रहते थे। और खैरू भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे ना रहता। वो हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। खैरू में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वो अपने देश का बादशाह बन गया है। ऐसा वो किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि बादशाह बनकर वो लोगों की भलाई के लिए मौजूदा बादशाह से भी ज़्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर खैरू बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वो भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपने के बारे में ना सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसको नादान समझकर मुस्कुराकर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहां पर भी चार लोग इकट्ठा होते, वो खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह ने फौरन खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब खैरू को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ, फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का बेटा ही बैठ सकता है? जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक सख्ती सी आ गई थी। खैरू ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है, सब इंसान बराबर हैं, इसीलिए ये जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की ये बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खैरू तुम्हारी ये बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, बोलो तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी चार शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से तीन तो सवाल हैं जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम ये चारों शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो बोला,
हजूर, आप जैसे चाहें वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा ना कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है, और उसके अंदर एक डिब्बा और है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई सपना देखे कि एक सुनहरी थाली में दो प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है, दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है, और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वो ये कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहे उतना ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में ये काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो खैरू ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वो बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और असल बात यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल आपने दो प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत है जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली सख्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है, और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, ये इस बात का संदेश है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। खैरू के जवाब सुनकर बादशाह हैरानी के कारण कुछ भी बोल ना सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वे हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और बादशाह भी खैरू की अकलमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सचमुच ही तारीफ के लायक हैं, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब खैरू ने कहा, हजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। खैरू वापिस अपने घर आ गया और सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया, जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो खैरू को शाबाशी दी,
और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, इसीलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। ये कहते हुए खैरू घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा, ताकि वो अपने मामा से सलाह ले सके कि वो कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर खैरू के मामा ने कहा, बेटा कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता, तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने कहा, तो क्या ये काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो, वो तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे ये वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं, और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को इस बात का पक्का विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर की पानी की समस्या को हल कर देगा, इसीलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच ही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर बादशाह कहने लगा कि तुमने ये सब कैसे कर लिया, तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर ये कमाल कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और फिर ये समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करें तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को ये एहसास हुआ कि खैरू उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने खैरू को कम समझने की भूल की थी। अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें बादशाह ने खैरू के सामने रखी थी वो सब खैरू ने पूरी कर दी। अब बादशाह मन ही मन में खैरू से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो खैरू को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, खैरू बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को बादशाह बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें जल्दी ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही खैरू भी उसके नजदीक ही मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे
आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा, वो जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है, बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी ये इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें, उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिए, ये एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग खैरू की इस बात पर तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि खैरू की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अकलमंद और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। इस तरह से खैरू अपनी होशियारी, चालाकी और मजबूत इरादे से एक देश का राजा बन गया। बात बहुत पुरानी है, जब कौशलपुर राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था वीरभद्र और दूसरे का नाम था चंद्रसेन। वीरभद्र एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रसेन एक सैनिक था जो कौशलपुर राज्य की सेना में काम करता था। दोनों में ही बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा कौशलपुर राज्य जानता था कि वे दो शरीर और एक जान है। एक समय ऐसा हुआ कि कौशलपुर राज्य के पड़ोसी राजा ने कौशलपुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। चंद्रसेन बड़ी ही वीरता के साथ लड़ा और कई शत्रु सैनिकों को मार डाला, परंतु शत्रु देश की विशाल सेना के आगे कौशलपुर राज्य की सेना के पांव उखड़ने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कौशलपुर का राजा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके युद्ध से भागते ही कौशलपुर की सेना भी हार गई। कौशलपुर के कुछ सैनिक जो जीवित बचे थे उन्हें शत्रु देश के राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रसेन भी उन्हीं बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक था। शत्रु राजा का अब कौशलपुर राज्य पर कब्जा हो चुका था। उसका नाम था विजय प्रताप। विजय प्रताप ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कौशलपुर पर कब्जा किया था, इसीलिए उसने कौशलपुर की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। वहां की जनता भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पहले वाला राजा युद्ध छोड़कर कहां भाग गया इस बात का किसी को मालूम नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए राजा ने नए मंत्री नियुक्त किए। इसी काम में उसे 3 महीने का समय लग गया। अब नए राज्य में परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी। इसी दौरान 3 महीने के बाद राजा को युद्ध में बंदी बनाए गए शत्रु सैनिकों का ख्याल आया। क्योंकि चंद्रसेन बड़ी ही बहादुरी से लड़ा था, इसीलिए राजा को वो अच्छी तरह से याद था। तब राजा विजय प्रताप ने सोचा, यदि उस जैसा बहादुर और जाबाज सैनिक जिंदा रह गया तो वह किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उचित यही होगा कि उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि चंद्रसेन नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों सैनिकों को मारा था। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, एक बात और,
उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें अवश्य ही खबर की जाए, स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फांसी की तैयारियां पूरी करने के बाद जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी और खबर मिलते ही राजा भी वहां पर आ पहुंचा। तब राजा ने चंद्रसेन से कहा, ऐ सैनिक, हम सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तुम तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सिर पर लटकते रहो, इसीलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा भी जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमसे कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच में रहूं। उसके बाद यदि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा तो मुझे कोई दुख ना होगा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी कर देंगे। यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने को तैयार हो। परंतु अभी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक पहरेदार आया और उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ पर ले आऊं। कौन है वो? महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी देश का वासी है और स्वयं को फांसी पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का मित्र बताता है। ओह, जाओ उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद राजा ने चंद्रसेन से कहा, सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो ऐन मौके पर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को तैयार हो जाता है तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगले ही पल वीरभद्र को वहां पर लाया गया। तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, ये आदमी तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, ये मेरा मित्र है और मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं अगर ये वापस लौटकर ना आए, इसीलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब वीरभद्र ने कहा, महाराज, तब तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। अपने मित्र के बदले में मैं आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच लो भले मानस, यदि ये वापस लौटकर ना आया तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है राजन, और मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। ठीक है। राजा ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन तक अपने परिवार के बीच में रह सकते हो, लेकिन यदि 8वें दिन तुम दिन चढ़ने तक यहाँ पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रसेन को छोड़ दिया जाए और वीरभद्र को बंदी बना लिया जाए। आजाद होते ही चंद्रसेन ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। चंद्रसेन ने कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता ना करना, मैं 7वें दिन वापिस लौट आऊंगा। और वीरभद्र ने कहा, लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लौट कर वापिस ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए, फिर सैनिक वीरभद्र को लेकर बंदी गृह की ओर चले गए और चंद्रसेन राजा के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदी गृह में डाल दिया गया था और उधर चंद्रसेन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे देखकर उसे बड़े ही प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पत्नी के चेहरे पर छाई प्रसन्नता उदासी में बदल गई। तब चंद्रसेन ने कहा, मैं जानता हूँ प्रिय कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे 7 दिन के बाद लौटना ही होगा, वरना
मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी मेरी बात मानिए तो आप वापस लौटने का विचार छोड़ ही दीजिए। आपका मित्र तो अभी कुवारा है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। यदि वो फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि अभी पत्नी की बात पूरी नहीं हुई थी, चंद्रसेन गुस्से में चिल्लाकर बोला, मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी गंदी बात अपनी जुबान से निकालना भी मत। बेशक मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं उसका मित्र भी हूँ और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ओह स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगे। क्योंकि चंद्रसेन मरने से पहले सारी जमीन जायदाद हिसाब किताब और हर आवश्यक काम निपटा लेना चाहता था, इसीलिए वह दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस संबंध में नहीं बताया और इस चक्कर में सातवां दिन भी बीत गया। लेकिन आठवें दिन सुबह उठते ही चंद्रसेन को राजा की चेतावनी याद आ गई और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूला ही बैठा था कि आज राजा के पास सूर्य चढ़ने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आज ही तो आठवां दिन है। और फिर आगे की कल्पना करते ही उसका रोम रोम कांप उठा। फिर बिना एक भी पल को नष्ट किए वह बाहर की ओर भागा और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे मित्र को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को तूफानी गति से राजा के महल की ओर दौड़ा दिया। उधर वीरभद्र को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थी। तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, क्या तुम्हें अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह वक्त पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसका मार्ग रोक ले और उसे किसी भी हालत में यहाँ पर पहुंचने ना दे। तुम मूर्ख हो वीरभद्र, अब वह नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को यानी तुम्हें मौत पर न्योछावर कर दिया। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज दोस्त है। खामोश हो जाइए राजन, मैं अपने मित्र के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ राजन, अपने जल्लाद से कहिए कि वो अपना काम करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद चढ़ा दो इसे फांसी पर ताकि इस मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोगों को इससे सबक मिले। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम बढ़ाया तभी चंद्रसेन वहां पर आ पहुंचा और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। चंद्रसेन ने कहा, वीरभद्र मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मेरे दोस्त, तुम लौट कर क्यों आए? अरे पगले, तो क्या लोगों को और राजा को ये कहने का मौका देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है? राजन, मैं आ गया हूँ, अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। मुझे आपसे कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है। तब वीरभद्र ने कहा, नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था उस वक्त तक यह नहीं लौट पाया, इसीलिए शर्त के मुताबिक आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। वीरभद्र ने सूर्यसेन से कहा, तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने का किसी को कोई दुख नहीं होगा। ये सुनकर चंद्रसेन ने कहा, ये तुम कैसी बातें करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं? क्या मुझे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दोस्त को लोग स्वार्थी, धोखेबाज, नीच और कमीना कहें? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो चंद्रसेन। उनकी बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, ओह, ऐसी सच्ची मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी।
दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं और अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। धन्य हैं ये दोनों दोस्त। परंतु तभी राजा के मन में एक दूसरा विचार आया, नहीं, शत्रु सैनिक के लिए ऐसी हमदर्दी ठीक नहीं है। राजा विजय प्रताप असमंजस में पड़ चुके थे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, आज फांसी नहीं दी जाएगी, मैं आदेश देता हूं कि इस किसान वीरभद्र को छोड़ दिया जाए और सैनिक चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया जाए। इसे आज से चौथे दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरभद्र को महल से बाहर कर दिया और चंद्रसेन को फिर से 4 दिन के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा महल में लौटकर आए। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सारी रात चंद्रसेन के बारे में ही सोचता रहा। सुबह के समय राजा विजय प्रताप की पत्नी यानी महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब राजा ने चंद्रसेन का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के बारे में सुना है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रानी 3 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी, इससे पहले तुम जब चाहो उससे मिलने जा सकती हो। अगले दिन संध्या के समय रानी चंद्रसेन से मिलने कारागार में गई। उस समय कारागार में रानी और सिर्फ चंद्रसेन ही थे। रानी के आदेश पर सभी सिपाही बाहर जा चुके थे। तब रानी ने कहा, सुनो चंद्रसेन, मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सबसे सुना है कि कैसे तुमने अकेले ही हमारे कई सिपाहियों को मार डाला था। हम तुम्हारी वीरता की कद्र करते हैं, परंतु अब तुम मौत के शिकंजे में खड़े हो। यदि तुम चाहते हो तो मैं इसी समय तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। चंद्रसेन हैरानी से सब बातें सुन रहा था। रानी ने आगे कहा, चंद्रसेन, यदि तुम्हारे जैसा बहादुर मेरी सहायता करने को तैयार हो जाए तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ और तुम भी यहाँ से आज़ाद हो सकते हो। वो कैसे महारानी जी? चंद्रसेन, तुम्हें हम आज़ाद करवा दें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम रानी जी? तुम्हें महाराज विजय प्रताप की हत्या करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हें हटाकर राज्य की सारी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकरण से विवाह कर लूँगी और तुम्हें अपना सेनापति बना लूँगी। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुल देवी के मंदिर में जाते हैं तब तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। रानी की बातें सुनकर चंद्रसेन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं रानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। परंतु क्यों? राजा विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु है ना? महारानी जी, वो मेरे शत्रु तभी तक थे जब मैं रणभूमि में उनके विरुद्ध लड़ रहा था, परंतु अब नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला ये कि यदि वो चाहते तो युद्ध खत्म होते ही मुझे मरवा सकते थे, परंतु उनकी दया के कारण मैं 3 महीने तक और जिंदा रहा और तब तक उन्हीं का अन्न खाता रहा हूँ। चाहते हुए भी अब मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अपने परिवार से मिलने दिया। अगर मैं मरने से डरता तो शायद वापस लौटकर नहीं आता। और तीसरा कारण ये है कि कौशलपुर की जनता ने भी अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब उनकी हत्या करना राजद्रोह कहलाएगा। अब वे चाहें तो मुझे मारें या छोड़ दें, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रसेन की बात पूरी होते ही कारागार में राजा विजय प्रताप ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर चंद्रसेन हैरान था, परंतु रानी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तब राजा ने कहा, चंद्रसेन, तुम एक सच्चे मित्र हो और एक बहादुर और वचन के पक्के इंसान भी हो। रानी ने अभी अभी जो भी बातें तुमसे कही हैं वो सब हमने ही उन्हें सिखाई थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और हमारी परीक्षा की कसौटी पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। चंद्रसेन, तुमने अपनी आज़ादी के बदले में हमारी हत्या करने का प्रस्ताव ठुकरा कर
ये सिद्ध कर दिया तुम एक वीर और वचन के पक्के इंसान हो। हम आदेश देते हैं कि तुम्हें कारागार से रिहा कर दिया जाए और यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में नौकरी कर सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रसेन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। अगली सुबह चंद्रसेन को कारागार से रिहा कर दिया गया। वह अपने परिवार के साथ फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और साथ ही उसकी और वीरभद्र की मित्रता जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनी रही। बात बहुत ही पुरानी है। जब दिल्ली नगर में भागीरथ नाम का एक युवा सौदागर रहता था, वहां पर उसकी अपनी दो दुकानें और एक रहने का मकान था। वह सुंदर था और जवान भी। वो बहुत ही हंसोड़ और गाना गाने का प्रेमी था। युवा अवस्था में उसे शराब पीने की आदत पड़ गई थी। अधिक पी जाने पर वह कभी कभी हल्ला भी मचाया करता था, परंतु विवाह कर लेने के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया था। गर्मी के एक समय वह कुंभ पर गंगा जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आज ना जाइए, मैंने एक बुरा सपना देखा है। भागीरथ ने कहा, तुम्हें भय है कि मैं मेले में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? उसकी पत्नी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डरती हूँ, केवल इतना जानती हूँ कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि जब तुम घर लौटे तो तुम्हारे बाल सफेद हो चुके थे। भागीरथ ने कहा, यह तो बड़ा ही अच्छा शगुन है, देख लेना, मैं सारा माल बेचकर और मेले से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। ये कहकर वह चल दिया। आधी दूर जाकर उसे एक सौदागर मिला जिसके साथ उसकी पहले से ही जान पहचान थी। वो दोनों रात के समय एक ही सराय में ठहरे, संध्या के समय भोजन करके पास की ही कोठरियों में सो गए। भागीरथ को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उसने ये विचार करके कि ठंडे ठंडे रास्ते चलना आसान होगा, वह मुंह अंधेरे उठा, सराय का किराया चुकाया और चलता बना। 25 कोस जाने पर अपने घोड़े को आराम देने के लिए वह एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर गाना गाने लगा। अचानक एक कोतवाल और दो सिपाही उसके पास आए। कोतवाल उसके पास आकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। वह सब कुछ बतलाकर बोला कि आइए भोजन कीजिए, परंतु कोतवाल बार बार यही पूछता रहा कि तुम रात को कहां पर ठहरे थे, अकेले थे या कोई साथ में था, तुमने अपने साथी को आज सवेरे देखा या नहीं, तुम मुंह अंधेरे क्यों चले आए। भागीरथ को बड़ी ही हैरानी हुई कि बात क्या है, यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं। वह बोला, आप तो मुझसे इस भांति पूछते हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूं, मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आपको मुझसे क्या मतलब है। कोतवाल ने कहा, मैं इस इलाके का कोतवाल हूं और ये प्रश्न इसलिए करता हूं कि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे वह मार डाला गया है, हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। ये कहकर वह उसके सामान की तलाशी लेने लगे। एकाएक थैले में से एक छुरा निकला जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर भागीरथ डर गया। कोतवाल ने पूछा, ये छुरा किसका है, इस पर ये खून कहां से लगा। भागीरथ चुपचाप रह गया, उसका कंठ सूख रहा था। हिचकिचाता हुआ कहने लगा, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। कोतवाल ने कहा, आज सुबह हमने देखा कि वो सौदागर गला कटे चारपाई पर पड़ा था, कोठरी अंदर से बंद थी, सिवाय तुम्हारे भीतर कोई भी न था। अब ये खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है, तुम्हारा मुख गवाही दे रहा है, बस तुमने ही उसे मारा है, बतलाओ किस तरह से मारा और कितने रुपए चुराए। भागीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने सौदागर को नहीं मारा, भोजन करने के बाद मैंने उसे देखा तक नहीं, मेरे पास अपने 8,000 रुपए हैं और ये छुरा मेरा नहीं है। परंतु उसकी बातें उखड़ी उखड़ी सी थी, मुख पीला पड़ चुका था, वह पापी की भांति भय से कांप रहा था। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया
कि इसे बांध लो और अपने साथ ले चलो। सिपाहियों ने जब उसे पकड़ा तो वह रोने लगा। कोतवाल ने उसे अपने साथ ले जाकर कारागार में डाल दिया और उसके रुपए छीन लिए। इसके बाद दिल्ली में उसके चाल चलन की जांच की गई। सब लोगों ने यही कहा कि वह पहले शराब पीकर बकझक किया करता था, परंतु अब उसका आचरण बड़ा ही अच्छा है। अदालत में तहकीकात होने पर उसे रामपुर निवासी सौदागर का वध करने और 20,000 रुपये चुरा लेने का अपराधी ठहराया गया। भागीरथ की स्त्री को इस बात पर विश्वास न होता था। उसके बालक छोटे छोटे थे, एक तो अभी दूध ही पीता था। वह सबको लेकर अपने पति के पास पहुंची। पहले तो कारागार के कर्मचारियों ने उसे मिलने की आज्ञा ना दी, परंतु बहुत ही विनय करने के बाद आज्ञा मिल गई और पहरेदार उसे कैद घर में ले आए। ज्यों ही उसने अपने पति को कैद खाने में चोरों और डाकुओं के बीच में बैठा हुआ देखा, वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद उसे होश आया। वह अपने पति के पास गई और उससे सारा हाल पूछने लगी कि यह क्या बात है। भागीरथ ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब उसकी पत्नी ने कहा, तो अब क्या हो सकता है। भागीरथ ने कहा, हमें राजा से विनय करनी चाहिए कि निरअपराधी को जान से ना मारें। पत्नी ने कहा, मैंने राजा से विनय की थी, परंतु वह स्वीकार ना हुई। भागीरथ ने निराश होकर सिर झुका लिया। पत्नी ने कहा, देखा मेरा सपना कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको उस दिन मेले में जाने से रोका था। तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना, क्या तुम्हें भी मुझ पर संदेह है। ये कहते हुए वह मुंह ढांप कर रोने लगा। इतनी देर में सिपाहियों ने आकर स्त्री को वहां से हटा दिया और भागीरथ सदैव के लिए अपने परिवार से विदा हो गया। घर वालों के चले जाने के बाद जब भागीरथ ने ये विचार किया कि मेरी पत्नी भी मुझे अपराधी समझती है, तो वह मन में कहने लगा, बस मालूम हो गया, परमात्मा के बिना और कोई नहीं जान सकता कि मैं पापी हूं या नहीं। उसी से दया की आशा रखनी चाहिए। फिर उसने कभी छूटने का प्रयास नहीं किया। चारों ओर से निराश होकर वह ईश्वर के भरोसे बैठा रहा। भागीरथ को पहले कोड़े मारे गए, जब उसके घाव भर गए तो उसे बंदी खाने भेज दिया गया। वह 26 वर्ष बंदी खाने में पड़ा रहा। उसके बाल पककर सफेद हो चुके थे, देह घुल गई थी। वह सदैव उदास रहता, ना कभी हंसता ना बोलता, परंतु भगवान का भजन वो रोज किया करता था। वहां उसने दरी बुनने का काम सीखकर कुछ रुपया भी जमा कर लिया और एक भगवत गीता की किताब मोल ले ली। दिन भर काम करने के बाद शाम के समय जब तक सूर्य का प्रकाश रहता, वह उस पुस्तक का पाठ किया करता और रविवार के दिन बंदी खाने के ही निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसे बड़ा ही सुशील जानकर उसका सम्मान करते थे। कैदी लोग उसे बूढ़ा बाबा या महात्मा कहकर पुकारते थे। कैदियों को जब भी कोई अर्जी भेजनी होती तो वह उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी से चुकाया करते। भागीरथ को अपने परिवार का कोई समाचार ना मिलता था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी और बालक जिंदा भी हैं या मर गए। एक दिन की बात है, जेल में कुछ नए कैदी आए। संध्या के समय पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई तुम कहां से आए हो और तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। भागीरथ उदास बैठा सब कुछ सुन रहा था। नए कैदियों में एक 50-55 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। वह अपनी राम कहानी इस तरह से सुनाने लगा, भाइयों मेरे मित्र का घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी, मैं उस घोड़े पर सवार होकर चला गया। घर जाकर मैंने वो घोड़ा छोड़ दिया, मित्र कहीं चला गया था। पुलिस वालों ने चोर ठहराकर मुझे पकड़ लिया, यद्यपि यह कोई नहीं बतला सका कि मैंने किसका घोड़ा चुराया और कहां से चुराया।
फिर भी चोरी के अपराध ने मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि उस समय मैं बंदी गृह भेजे जाने के लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई पकड़ ना सका। अब बिना अपराध के ही यहाँ पर भेज दिया गया हूँ। एक कैदी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? वो नया कैदी बोला, दिल्ली से। मेरा नाम बलदेव सिंह है। भागीरथ ने कहा, भला बलदेव सिंह, तुम्हें भागीरथ के घर वालों के बारे में कुछ हाल मालूम है कि वो जीते भी हैं या मर गए? बलदेव ने कहा, जानना क्या है, मैं उन्हें भली भांति से जानता हूँ, अच्छे मालदार लोग हैं। हाँ, उनका पिता यहीं कहीं पर कैद है, मेरे ही जैसा अपराध उन पर भी था। बूढ़े बाबा, तुम यहाँ पर कैसे आए? भागीरथ ने अपनी विपत्ति की कथा उससे नहीं कही, केवल हाय कर बोला, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से यहाँ पर सड़ रहा हूँ। क्या पाप है आपका, मैं भी तो सुनूं। भाई जाने दो, पापों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह और कुछ ना कहना चाहता था, परंतु दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया कि वह एक सौदागर का वध करने के अपराध में यहाँ पर कैद है। बलदेव ने ये हाल सुना तो भागीरथ को ध्यान से देखने लगा और घुटने पर हाथ मारकर जोर से बोला, वाह वाह, बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो। दूसरे कैदी बलदेव से पूछने लगे कि तुम भागीरथ को देखकर चकित क्यों हुए, तुमने क्या पहले उसे कहीं पर देखा है? परंतु बलदेव ने उत्तर नहीं दिया। भागीरथ के चित्त में यह शक उत्पन्न हो गया कि शायद बलदेव रामपुरी सौदागर के असली मारने वाले को जानता है। वह बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह बात सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? बलदेव ने कहा, ये बातें तो सारे संसार में फैली हुई हैं, मैं किस तरह से ना सुनता, बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा। भागीरथ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव सिंह ने हंसकर कहा, जिसके थैले में से छुरा निकला वही उसका मारने वाला है। यदि किसी ने थैले में छुरा छिपा भी दिया हो तो जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता उसे चोर कौन कह सकता है? थैला तुम्हारे सिराने पर ही धरा था, यदि कोई दूसरा पास आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य ही जाग उठते। ये बातें सुनकर भागीरथ को निश्चय हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह उठकर वहां से चल दिया, पर सारी रात वह जागता रहा। दुख से उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे अनेक प्रकार की बातें याद आने लगी। पहले अपनी पत्नी की, उस समय उसकी सूरत दिखाई दी जब वह मेले में जाने से मना करती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वह सामने खड़ी हो। उसकी बोली और उसकी हंसी तक उसे सुनाई देने लगी। फिर उसे अपने बालक दिखाई पड़े। फिर युवावस्था की याद आई। वह कितना प्रसन्न चित्त था, कैसे आनंद से बैठकर गाना गाया करता था। फिर वही सराय दिखाई दी जहां पर वह पकड़ा गया। तब वह जगह सामने आई जहां उस पर कोड़े लगे थे। फिर वही बंदी खाना, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। यह सब बातें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी थी। वह इतना दुखी हुआ कि जी में आया कि अभी प्राण दे दूं। हाय, इस बलदेव चंडाल ने ये मेरे साथ क्या किया, मैं तो अपना सर्वनाश करके भी इससे बदला अवश्य लूंगा। सारी रात भजन करने पर भी उसे शांति नहीं मिली। दिन के समय उसने बलदेव को देखा तक नहीं। 15 दिन बीत गए। भागीरथ की यही दशा थी कि उसे ना तो रात को नींद आती और ना ही दिन में चैन। वह क्रोध की अग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल खाने में टहल रहा था कि उसने देखा कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिर रही थी। वह वहीं पर रुक गया कि देखूं मिट्टी कहां से आ रही है। अचानक बलदेव चबूतरे के नीचे से निकला और भय से कांपने लगा। भागीरथ आंखें मूंद कर आगे बढ़ जाना चाहता था कि बलदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो मैंने जूतों में मिट्टी भर के बाहर फेंक कर ये सुरंग लगाई है, तुम बिल्कुल चुप रहना, मैं तुमको भी यहां से भगा दूंगा। यदि शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे जान से मार डालेंगे, परंतु याद रखो कि तुम्हें मार कर ही मरूंगा, यूं नहीं मरता। भागीरथ अपने शत्रु को देखकर
क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की कोई इच्छा नहीं है और मुझे मारे हुए तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके हैं। रही ये हाल बताने की बात, जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसा होगा। अगले दिन जब कैदी बाहर काम करने के लिए गए तो पहरेदारों ने सुरंग की मिट्टी देख ली और खोज लगाने पर सुरंग का पता भी चल गया। जेल के हाकिम ने सब कैदियों से पूछताछ की, किसी ने ना बतलाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बतला दिया तो बलदेव मारा जाएगा। जेल के कर्मचारी भागीरथ को सत्यवादी जानते थे, उससे पूछने लगे, बूढ़े बाबा तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने लगाई है। बलदेव पास में ही खड़ा था। भागीरथ के होंठ और हाथ कांप रहे थे। वो चुपचाप विचार करने लगा कि जिसने मेरा सारा जीवन नाश कर दिया उसे क्यों बचाऊं, दुख के बदले दुख उसे अवश्य ही भोगना होगा। अगले ही पल उसने विचार किया कि शायद ये सब मेरा भ्रम मात्र हो, सौदागर को किसी और ने ही मारा हो, यदि इसने ही मारा हो तो इसे मरवा देने से मुझे अब क्या लाभ होगा। हाकिम ने पूछा, बाबा तुम चुप क्यों हो, बतलाते क्यों नहीं। भागीरथ ने कहा, मैं कुछ नहीं बतला सकता, आप जो चाहें सो करें। हाकिम के बार बार पूछने पर भी भागीरथ ने उसे कुछ नहीं बतलाया। बात टल गई। उसी रात भागीरथ जब अपनी कोठड़ी में बैठा हुआ था, बलदेव चुपके से भीतर आ गया। भागीरथ ने देखा और कहा, बलदेव सिंह अब क्या चाहते हो, तुम यहां पर क्यों आए हो। बलदेव चुप रहा। भागीरथ ने फिर से कहा, तुम क्या चाहते हो, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं पहरेदारों को बुला लूंगा। बलदेव ने उसके पांव पकड़ लिए और बोला, भागीरथ मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्यों। बलदेव ने कहा, मैंने ही उस सौदागर को मारा और छुरा तुम्हारे थैले में छिपा दिया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, परंतु बाहर से आहट हो गई, मैं छुरा थैले में रख कर भाग निकला। भागीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तब बलदेव ने कहा, भाई भागीरथ भगवान के वास्ते मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, मैं कल अपना अपराध स्वीकार कर लूंगा, तुम छूट कर अपने घर चले जाओगे। भागीरथ ने कहा, बातें बनाना आसान है, 26 वर्ष के इस दुख को देखो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरी पत्नी मर चुकी है, लड़के मुझे भूल चुके हैं, अब मेरा कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। बलदेव धरती से माथा फोड़कर रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतना कष्ट नहीं हुआ था जो अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बतलाई, क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। ये कहकर बलदेव धाड़ मार मार कर रोने लगा। भागीरथ के नेत्रों से भी जल की धारा बह निकली। वह बोला, पूर्ण परमात्मा तुम पर दया करें, कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। अगले दिन बलदेव सिंह ने स्वयं कर्मचारियों के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सारी बात जानने के बाद भागीरथ को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया, परंतु जब सिपाही उसे रिहा करने के लिए बंदीगृह में लेने आए तब उसका देहांत हो चुका था। जब बलदेव सिंह को इस बात की खबर मिली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। कुछ दिनों के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहां वह दीवारों पर सिर पटकता और रोता चिल्लाता। कुछ साल पागलखाने में गुजार देने के बाद उसकी मौत हो गई। भागीरथ ने तो उसे क्षमादान दे दिया था, परंतु फिर भी उसे एक दर्दनाक सजा झेलनी पड़ी।